हाय गाइस, दिस इज विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी विजय के साथ। गाइस, आज हम एमएस एक्सेल में फॉर्मूला टैब में हम फॉर्मूला ऑडिटिंग के बारे में जानेंगे। गाइस, इसे कैसे वर्क करते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। तो चलिए गाइस, वीडियो में देरी ना करते हुए हम तुरंत वीडियो की ओर चलते हैं। चलिए गाइस, आज हम ट्रेस प्रेसिडेंट को समझेंगे। ठीक है, ये ट्रेस प्रेसिडेंट किसके क्या यूज है, ट्रेस डिपेंडेंट्स इसके क्या यूज है और रिमूव एरोस इसके क्या यूज है। ठीक है ना, तो गाइस ये जैसे मेरा एक फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला किससे लिंक्ड है, या फिर ये बोल सकते हैं कि ये जो टोटल है, ठीक है ना, टोटल है किससे बनकर आया है ये टोटल, ये हमें जानना है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेस प्रेसिडेंट का यूज करते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि ये जो है टोटल किससे होकर आया है। देखिए, पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ट्रेस प्रेसिडेंट पर क्लिक करते हैं तो ये बता दे रहा है कि ये जो फॉर्मूला है ये इससे निकल कर आया है। क्लियर गाइस, ये फॉर्मूला ये टोटल इससे निकल कर आया है। ठीक है, अब मान लीजिए हमको ये जानना है, मान लीजिए हमें ये जानना है कि ट्रेस डिपेंडेंट इसका क्या यूज है ना। तो हमें ये जानना है कि ये जो 70 है, ये 70 जो है किससे जुड़ा हुआ है, हमको ये जानना है। तो हम यहाँ पे ट्रेस डिपेंडेंट्स इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये बता देता है ट्रेस डिपेंडेंट। मैं मान लो इसको क्लिक करता हूँ कि 98 किससे संबंधित है, किससे जुड़ा हुआ है, तो ट्रेस डिपेंडेंट में जाके आप क्लिक कर दीजिए तो ये बता देगा ये किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, मान लीजिए मैं इस टोटल को पूछ रहा हूँ कि ये टोटल किससे जुड़ा हुआ है, तो ये बता देगा ट्रेस प्रेसिडेंट कि इस कॉलम से जुड़ा हुआ है। देखिए, कॉलम में ये ऐसा शो करेगा और ये जो है एरो में दिखाएगा आपको। क्लियर, तो ये ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमें इसे रिमूव करना है तो रिमूव एरो में जाके आप क्लिक कर दीजिए, आपके एरो सभी रिमूव हो जाएंगे। क्लियर गाइस, तो चलिए ये तो हमारा क्लियर हुआ। अब इसके बाद हमें ये जानना है कि हमने जो ये फंक्शंस ये जो अप्लाई किए हुए हैं मार्कशीट में, तो इसमें टोटल जो हमारा निकला हुआ है, जो यहाँ पे टोटल्स निकले हुए हैं, इसमें हम कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए हुए हैं, हमें ये जानना है। तो इसमें तो देखिए कितने सारे फॉर्मूले इस पे लगे हुए हैं और कौन कौन से फॉर्मूले लगे हैं ये हमको जानना है। तो हम क्या करेंगे, सो फॉर्मूला में जाके क्लिक कर देते हैं। देखिए यहां पर ये सम, इसके साथ ये फॉर्मूला जुड़ा हुआ है। देखिए सभी का फॉर्मूला बता दिया है टोटल का। मैं इसे अगर नॉर्मल रखूं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, देखिए, और इस पर अगर मैं फिर सो फॉर्मूला कर देता हूं तो ये फॉर्मूला बता देता है कि ऐसा ऐसा फॉर्मूला लगा हुआ है। क्लियर गाइस, तो ये सो फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया होगा। ये जितने भी टोटल जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं उन सबको यहाँ पर शो कर देता है। ठीक है, हटाने के लिए आप इस पर क्लिक कर दीजिए। चलिए, ये तो हमारा हो गया। अब इसके बाद हमें एरर चेकिंग आता है। ठीक है ना, तो ये एरर चेकिंग क्या है, ये एरर को बताता है। मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है ना, तो द एरर चेक इज कम्प्लीट फॉर द इंटरसीट, ऐसा हमको शो करता है। ठीक है, ट्रेस एरर, द ट्रेस एरर कमांड रिक्वायर्स दैट द एक्टिव सेल कंटेन एन एरर वैल्यू, इस टाइप का वैल्यू है शो करेगा। इसमें अभी फिलहाल कोई एरर नहीं है। क्लियर, चलिए अब इसके बाद हमारा आता है इवेल्युएट फार्मूला। इवेल्युएट फार्मूला ये क्या है, हमारा फार्मूला को शो करता है।
मान लीजिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है ना, हमें ये जानना है कि इस पर कौन सा फॉर्मूला लगा है, तो आप क्या करिए, इवेल्युएट फॉर्मूला में जाके क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे वो बता देता है कि इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा है, क्लियर। मैं इसे हटाता हूँ, मान लीजिए हमें इसमें जानना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है, आप क्लिक करिए और इस पर जाके क्लिक करिए, तो देखिए इसमें जो फॉर्मूला लगा है वो यहाँ पे शो कर देता है, क्लियर। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ठीक। चलिए गाइस, हम अब जाते हैं वॉच विंडो में, ठीक है ना। तो वॉच विंडो का यूज हम इस डाटा को, इस रिकॉर्ड को रखने के लिए, एक अलग से रखने के लिए हम वॉच विंडो का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए मैं वैसे प्रैक्टिकल बताता हूँ। जैसे हमने वॉच विंडो को क्लिक किया, हमारा ये वॉच विंडो का सेटअप खुल जाता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमें इसका रिकॉर्ड को, ठीक है ना, इसके रिकॉर्ड को हमें वॉच विंडो में रखना है, ठीक है ना। वॉच विंडो का वर्किंग वही है कि हम रिकॉर्ड को इस पर रखते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट कर लेने के बाद में आप इसे यहाँ पर ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आपको इस टाइप से आप मिलेगा, आप इस पर ऐड में जाकर क्लिक कर दीजिए, देखेंगे कि आपका जो इसका रिकॉर्ड है वो सभी इसमें आ चुका है, क्लियर गाइस। मैं इसे और अच्छे से बताता हूं, आप इस पे क्लिक करेंगे, मैं इसे हटा देता हूं पहले, ठीक है। वॉच विंडो में हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप जितने भी हैं इसके रिकॉर्ड, वो आप इस रिकॉर्ड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप वॉच विंडो में ऐड वॉच में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप ऐड में जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि इसके पूरे रिकॉर्ड आपके वॉच विंडो में आ गए हैं, देखिए, ठीक है ना, इसके पूरे रिकॉर्ड यहाँ पर आ चुके हैं। अब मान लीजिए आप इस वॉच विंडो को, ठीक है ना, एक जगह रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसे यहाँ पर क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्लोज कर दिए तो हमारा वो क्लोज हो गया, जब भी हमको देखना रहेगा तो हम यहाँ पर से ऐसे देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या बोलते हैं रिकॉर्ड है जो वॉच विंडो में ऐड हो चुका है, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमें इसका साइज चेंज करना है जैसे, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आप देखिए यहाँ पे से हम इसका साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको, मान लीजिए आपको इसको मूव करना है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे से हम इसे जहां चाहे वहां ऐसे मूव करके ले जा सकते हैं, क्लियर गाइस। आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब इस रिकॉर्ड को हमको सेव करके रखना है, तो आप क्या करिए, यहाँ पर जाइए क्लिक करके और यहाँ पर से क्लोज में जाके क्लिक कर दीजिए। ये यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो भी हमारा रिकॉर्ड सेव होकर सुरक्षित रहता है, ठीक है। यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं, देखिए, और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा रिकॉर्ड हमको दोबारा से मिल जाएगा, क्लियर। तो इस प्रकार हमारा ये वॉच विंडो कंप्लीट होता है, क्लियर गाइस। उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, और आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।